जिला कांगड़ा तहसील नूरपुर की पंचायत डडनी के खड़ेतर गांव में छोटी धार पहाड़ी अचानक सुबह से दरकनी शुरू हो गई है और इतनी तेज धार पहाड़ी दरकने के नीचे बहती जबरदस्त खड्ड ने डैम का रूप धारण कर लिया है, जिससे इस जबरदस्त खड्ड के किनारे 3-4 घरों में पानी रुकने से डैम के पानी से खतरा बना हुआ है। इन खड्डों के किनारे कम से कम 70-80 कनाल खेती और रियाशी जमीन है। यह परिवार यहां पर पिछले काफी समय से बसे हुए हैं और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नूरपुर SDM सुरेंद्र ठाकुर तथा नूरपुर तहसीलदार गणेश ठाकुर, थाना नूरपुर और सदवा चौकी से पुलिस विभाग की टीम, PWD विभाग, SDO अनूप उपल, NDRF की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और वहां की स्थिति का जायजा ले रही है। सर, आज का जो यहां पे स्थिति चला हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? पिछले दो दिनों से नूरपुर में लगातार भारी बारिश हो रही थी और भारी बारिश होने से जो छोटी धार की एक पहाड़ी जो है ये खिसकने के कारण ग्राम पंचायत डन्नी के खड़ेतर गांव में जो ये खड्ड जबर खड्ड के ऊपर एक रिजर्वायर बन गया है। रिजर्वायर की लंबाई लगभग जो है 1 किलोमीटर के आसपास है और ये 50 फीट गहरा हो गया है और एक खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। तो इस रिजर्वायर के साथ में जो नियर बाई विलेज है खड़ेतर विलेज, इससे हमने तीन फैमिलीज़ को हमने यहाँ से इवैक्यूएट किया है, इनको हम सुरक्षित स्थानों पर लेकर गए हैं। एहतियातन हमने जो है इस जो रिजर्वायर के डाउन स्ट्रीम चक्की खड्ड तक जितने भी विलेजेस हैं जो वल्नरेबल माने जा सकते हैं, हमने सबको एक एडवाइजरी जारी की है कि वो कृपया अपने मकान छोड़ दें। हम इसकी अनाउंसमेंट जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू भी कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IGH, रेवेन्यू तहसीलदार साहब और पुलिस की सारी टीम, इंक्लूडिंग स्थानीय और जो नियर बाई के जो हैं वो सारे इस ऑपरेशन में हमारी मदद कर रहे हैं और हम इस डिज़ास्टर को जो है इफेक्टिवली मिटिगेट करने की हम कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ से हमने इवैक्यूएट किए हैं उनके हम खाने पीने की व्यवस्था और रहने सोने की व्यवस्था हम सारी के प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा। एनस्टार न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।